अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो ये वीडियो को ज़रूर पूरा देखें और शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर वीडियो देखें। बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, जो कि एक्सपर्ट के लिए हवाले से है और हो सकता है इस न्यूज़ से कुछ लोगों को परेशानी आ जाए, चाहे वो किसी भी देश से हैं लेकिन कुवैत के अंदर रहते हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात करेंगे जो बड़ी अपडेट आ रही है निकल के, पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, उसके बारे में बात करेंगे। फिर कुछ बड़ी अपडेट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो मरने वालों की संख्या है। 24 घंटे के अंदर 2 लोगों की मौत हुई है, 560 टोटल मौत हो चुकी है कुवैत के अंदर अभी तक कोविड-19 है। अब बात कर लेते हैं रिकवरी की, 591 नई रिकवरी हुई है, टोटल रिकवरी 84,995 हो चुकी हैं। 553 नए केसेस आए हैं और टोटल जो केसेस हो चुके हैं 94,764 हो चुके हैं। अब टेस्ट की बात करते हैं, 2,739 टेस्ट हुए हैं, 675,742 जो है टोटल टेस्ट अभी तक हो चुके हैं, 94 केस अभी भी सीरियस हैं और 9,209 केस जो हैं अभी भी एक्टिव हैं जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। तो ये थी पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। अब बात करते हैं हेल्थ वाई एरिया की, ताकि आपको भी इस चीज़ से मालूम हो सके आपके एरिया में कितने लोग जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। तो 148 जो लोग पाए गए हैं वो हवली में पाए गए हैं, 115 लोग अहमदी में, 109 लोग कैपिटल में, 100 लोग फरवानिया में और 81 लोग अलजहरा में पाए गए हैं। ये पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट थी और आपको जानना ज़रूरी था ताकि आप लोग इसी से अंदाज़ा लगा सकें अभी कुवैत के क्या हाल चल रहे हैं, क्या हाल नहीं चल रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ बड़ी अपडेट निकल कर रही है एक्सपर्ट के हवाले से, जो बड़ी अपडेट है और कुवैत जो न्यूज़पेपर में ये सारी चीज़ें छप रही हैं और ज़्यादातर जो कहना है कुवैत एक्सपर्ट के हवाले से लोगों का, जो बाहर के लोग काम करते हैं तो उनका ये कहना है ज़्यादातर जो कुवैत, और उनका भी यही कहना है अभी ज़्यादातर कुवैत में जो कुवैती नागरिक हैं कि ज़्यादातर जो कोरोना वायरस की महामारी फैल रही है वो एक्सपर्ट लोगों से फैल रही है, यानी कि जो बाहर के अजनबी लोग हैं काम करने वाले उनकी वजह से कुवैत के अंदर ये सारा कुछ चल रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है और इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कुवैत सरकार जो है अलग अलग नए कानून बनाती है, नए नए 24 घंटे के अंदर काफ़ी ज़्यादा कानून बन जाते हैं, कभी किसी तरह का कभी किसी तरह का बिल बनता है। लेकिन ज़्यादातर जो बिल की परेशानी आती है वो एक्सपर्ट लोगों को ही आती है, क्योंकि उसके तहत उन्हीं लोगों को निकाला जाता है जो कुवैत के अंदर काम करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कंट्री से हैं। लेकिन अब आपको मालूम है कि काफ़ी ज़्यादा बिल जो है वो बनाए जा रहे हैं, कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर, तो ये जो परेशानी आ रही है इसी हवाले से आ रही है। अभी जो कुवैत के अंदर चल रही है काफ़ी ज़्यादा अर्थव्यवस्था पे भी फ़र्क पड़ा है और काफ़ी ज़्यादा डगमगा गई है कुवैत की व्यवस्था भी, और काफ़ी सारी जो जॉब वगैरह भी है कुवैत के अंदर जो कुवैती नागरिक हैं उनको देने का ऐलान किया जा रहा है, जो बड़ी बड़ी पोस्ट हैं वो भी उनको दी जा रही हैं, जैसे कि NPC कंपनी में, KOC कंपनी। तो अगर आप कहीं पे भी रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, अपना काम पे ध्यान रखिएगा, अपना काम करते रहिएगा, किसी भी तरह की इंशाल्लाह आपको परेशानी नहीं आएगी। लेकिन ये जो अपडेट आ रही है निकल के कोरोना वायरस की महामारी जो ज़्यादा फैल रही है वो अजनबी लोगों के हिसाब से फैल रही है, तो ध्यान रखिएगा अपना, बाहर निकलते हैं बिना मास्क के ना निकलें और जो भी काम करते हैं तो थोड़ा सामाजिक दूरी बना के रखें ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी, पसंद है लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।